परासिया में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण न हटाने को लेकर भाजपा ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि रेलवे की जमीन में करीब 20,000 घर बने हुए हैं, इनको हटाने से ये सब बेघर और असहाय हो जाएंगे। परासिया में भाजपा ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि रेलवे की जमीन पर लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों का घर बना हुआ है, उन लोगों का घर न तोड़ा जाए। यदि रेलवे इस जमीन से बने बनाए घर को तोड़ देगी तो कई हजार लोगों का बना बनाया घर उजड़ जाएगा, जिससे लोग सड़कों पर आ जाएंगे। भाजपा ने आरोप लगाया कि इन सभी के पीछे कांग्रेस नेताओं का हाथ है। रेलवे को शिकायत करने वाले कांग्रेसी नेता ही हैं और इन कांग्रेसी नेता की शिकायत पर एक गरीब महिला का घर तोड़ दिया गया है। ज्यादा मकान रहते हैं, मेरा जिस वार्ड का पार्षद हूँ उस वार्ड में आधा मोहल्ला रेलवे में बसा हुआ है, ऐसे 500 परिवार रेलवे में बसे हुए हैं और लोकल विधायक कांग्रेस के सोन वाल्मीकि उन सभी 500 परिवारों को उजाड़ने का काम कर रहा है। कल रेलवे के वहाँ पर अधिकारी आए हुए थे, हमारी राजेश भैया और हमारी रेलवे के अधिकारी चर्चा हुई, उन्होंने कहा यदि इस तरह की उंगलीबाजी होगी तो रेलवे का हम पूरा हमला लाएंगे और जितने 500 परिवार हैं उनको रेलवे की भूमि से बेदखल कर देंगे। तो मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ कि अपने निजी लालच में, अपना किसी गरीब की जमीन हड़पने के लालच में गरीब जनता नुकसान ना करें। वार्ड नंबर 8 स्थित रेलवे की जमीन जो कि वहाँ निवास करने वाली गरीब महिला बरसों से रह रही है, जिसका नाम गोराबाई है और काफ़ी बरसों से वो वहाँ पर रहती है और उसके कब्जे में वो जमीन थी। परासिया से लेकर बड़कुई तक 15 से 20 हज़ार की आबादी इस रेलवे की ज़मीन में रहती है। कल जो अतिक्रमण टूटा गया है, भारतीय जनता पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। एक गरीब की छत उजाड़ने का काम स्थानीय कांग्रेस के विधायक एवं कांग्रेस के नेता के द्वारा किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।